हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन सॉलिड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो है जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जर्नली अपने पास जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। अब अपने को क्या करना है, उस कॉनिक को ट्रेस करना सीखना है। अब बात आती है ट्रेसिंग होती क्या है। जर्नली ट्रेसिंग के अंदर अपने को क्या करना है, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कॉनिक। और उस कॉनिक को अपने को ट्रेस करना है। ट्रेस मतलब बनाना है, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, जो अपने पास कॉनिक होगा, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या पैराबोला हो सकता है, उसको इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। ठीक है, और आज इस वीडियो का जो अपना टॉपिक है भाई वो है ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। तो भाई आपको क्या करना है, ट्रेस करना है किसको, पैराबोला को। कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्किंग रूल के बारे में। ठीक है, तो अपना वर्किंग रूल क्या है, जो स्टेप नंबर 1 से लेकर 8 तक, स्टेप नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने पिछले पार्ट में बता दिए भाई। ठीक है, उन्हीं को क्या करना है, फॉलो करना है। जो 1 से 8 स्टेप है वही है। ठीक है, सिमिलरली इलिप्स और हाइपरबोला के जो स्टेप्स बताए थे वो भी जितने बता रखे हैं वहां तक सेम है, इस चैप्टर के अंदर उससे आगे आते हैं। ठीक है, तो 1 से 8 स्टेप तो क्या करने हैं, आपको फॉलो करने ही करने। ठीक है, अगर वो नहीं देखे हैं आई बटन पे जाके भाई आपको मिल जाएगा द पैराबोला इन जर्नल, वो देख ले भाई। ठीक है, उसके बाद देखो एक बारी स्टेप नंबर 8 है उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या आपा क्या करते थे, जो अपने पास इक्वेशन आती थी उसको किस किस फॉर्म में अरेंज कर लेते थे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, फिर क्या करते थे, वाई को इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो अपने पास आती थी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। जब मैं एक्स को इक्वल टू 0 पुट करता था तो मेरे पास आती थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। और जब मैं इन दोनों को सोल्व करता था, मतलब वाई को इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता था तो मेरे पास क्या जाते थे, सेंटर आ जाता था। ठीक है, क्या जाता था, सेंटर आ जाता था और 4a की वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, अब देखो भाई इसको बोलते थे लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब स्टेप नंबर 9 में करना क्या है, स्टेप नंबर 9 में अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो मेरे पास x है, x मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको मैं पुट कर दूंगा किसके इक्वल, a के इक्वल, यानी कि x इक्वल टू a का मतलब ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, मतलब मान के चलो ax प्लस by प्लस 1, इसको मैं पुट कर दूंगा एक एक। ठीक है, अब बात आती है ए कहां से मिलेगा, अपने को 4a पता है, 4a इक्वल टू दिस, तो a की वैल्यू आ जाएगी दिस बाय 4। ठीक है, जब मैं x को इक्वल टू a पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है भाई, अब देखो उसके बाद अब स्टेप नंबर 10 आता है भाई। स्टेप नंबर 10 के अंदर अपने को निकालना है फोकस। क्या निकालना है, फोकस। अब फोकस कैसे निकालेंगे, अगर मैं इक्वेशन है मेरे पास, एक तो ये है टेंजेंट वाली और एक है लेटेस्ट रेक्टम वाली, इन दोनों को क्या कर लेता हूं, सोल्व कर लेता हूं, और एक्स और वाई को क्या कर देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, ऐसे सोल्व करते थे एक्स इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर लेता हूं और एक्स वाई की वैल्यू निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर 9th में क्या करना है, अपने को एक्स इक्वल टू ए पुट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इक्वल टू ए पुट करना है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एक्स को ए पुट कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 10 में क्या फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करना है। फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अगर है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है, और एक बात और है भाई, किसी को नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए
डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक है भाई, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक है, तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई ये था स्टेप नंबर 10। अब बात आती है स्टेप नंबर 11 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्या ले लो? स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको अब रफ करूंगा, ठीक है, या बाद में बता देंगे। देखो अब स्टेप नंबर 11 पे देखो भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज के लिए क्या करना होता है अपने को? एक्स को माइनस ए पुट करना होता है। क्या करना होता है? एक्स को माइनस ए पुट करना होता है, यानी कि ये अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको मैं इक्वल टू माइनस ए पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज, ठीक है भाई। अब स्टेप नंबर 10, सॉरी स्टेप नंबर 12। स्टेप नंबर 12 क्या बोलता है? जो मेरे पास जनरल गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लूंगा, एक्स के क्वाड्रेटिक और वाई के क्वाड्रेटिक के में चेंज कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां से मेरे पास एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सिमिलरली वाई की दो वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, तो अब देखो भाई, अब अपने को क्या करना है? जब x और y की दो वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां तक स्टेप नंबर अपने 12 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 13 की। स्टेप नंबर 13 के अंदर अपनी आती है एक्चुअल ट्रेसिंग। अब भाई यहां तक मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में क्या करना है? एक्स को इक्वल टू ए पुट करना है। जब मैं x को इक्वल टू ए पुट करूंगा, तो मेरे पास आएगी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। स्टेप नंबर 10 के अंदर मेरे को फोकस निकालना है, x इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लेटेस्ट रेक्टम, दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा और x को और y को एलिमिनेट करूंगा, तो मेरे को फोकस मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, x को a पुट किया, फोकस निकाला। जब मैं x को माइनस ए पुट करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इक्वल टू माइनस ए पुट करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो अपने पास गिवन इक्वेशन है, क्या है? जो अपने पास गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, जो क्वेश्चन में दे रखी है, उसको एक्स और वाई क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। एक्स की अलग क्वाड्रेटिक बनानी है, वाई की अलग क्वाड्रेटिक बनानी है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, वाई की भी दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो स्टेप नंबर 13 में एक्चुअल ट्रेसिंग आती है। कैसे? जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस है भाई, ये स्टेप याद रख लेना, वन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। जो मेरे पास एक्सिस की इक्वेशन है, मैं इसको रफ कर रहा हूं इस साइड से, देखो यहां से मेरे को क्या मिल गया? देखो एक तो सेंटर मिल गया, एक फोकस मिल गया, ठीक है। सेंटर और फोकस, इसको रफ कर रहा हूं भाई। तो अब देखो भाई, एक्चुअल ट्रेसिंग के अंदर अब करना क्या है? बुक के अंदर 10-11 स्टेप लिख रखे हैं भाई। बुक के अंदर एक्चुअल ट्रेसिंग के अंदर एफ तक पॉइंट दे रखे हैं, मतलब 6 पॉइंट दे रखे हैं। अब वो मैं 6 पॉइंट आपको समझा रहा हूं बिल्कुल आसान भाषा में। आपको क्या करना है? इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बना लेना, इस तरह से ग्राफ बना लेना, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, इसका नाम दे देते हैं माइनस x, इसका नाम दे देते हैं माइनस y। ये मेरे पास 1 2 3, 1 2, ठीक है, 1 2 3, 1 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? पहला पॉइंट बोलता है, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस मैं मान के चल रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर क्या करना है? एक बारी x को पुट जीरो पुट करना है। x को जीरो पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैं मान के चलो x को जीरो पुट किया, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। एक पॉइंट ये मिल गया। फिर जब मैं y को जीरो पुट करूंगा, क्या पुट किया मैंने? y को जीरो पुट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू मान के चलो ये आ गई, ठीक है। तो मैंने एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करी, तो ये मेरे पास क्या आ गई भाई? ये मेरे पास आ गई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये पहला काम है। दूसरा क्या काम क्या है? जो टेंजेंट की इक्वेशन है, उसके अंदर भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं। एक्स को जीरो पुट करोगे, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब वाई को जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लाइन आ गई, ठीक है। अब क्या करना है?
थर्ड स्टेप में पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए थर्ड स्टेप में क्या ड्रॉ करना है? पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप सेंटर मार्क कर लो। सेंटर मान के चलो मेरा कहीं यहां पर आ गया, ठीक है, या यहां पर आ गया, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। फिर फोकस को, ये मेरा सेंटर मार्क हो गया, ये मेरा फोकस मार्क हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, जो मेरे पास स्टेप नंबर 12 है, स्टेप नंबर क्या है, 12 है, वहां से चेक करना है कि पैराबोला एक्स और वाई एक्सिस पे कहां पर मीट करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहां पर मीट करता है, ठीक है। मीट करने का पता चल जाए तो मान के चलो एक यहां पर मीट करता है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूंगा, फिर यहां, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू कहां से पता चलेगी? स्टेप नंबर 12 से। फिर क्या करना है, फोकस से इनका डिस्टेंस देखना है कितना आएगा। भाई ये बातें हैं याद करने की, ठीक है, जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सारे स्टेप, दिमाग को खोल लो भाई, ठीक है, और मेरी बात जमा ध्यान से सुन लो। सीधी सीधी भाषा में कहूँ, मेरी बात जमा ध्यान से सुन लो। 8 स्टेप वो है जो मैंने अब तक बताई थी आपकी। नौवां स्टेप के बारे में बात करा तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका तर्क ये करना है एक्स ना इक्वल टू ए पुट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 10th की बात करें तो अपने को निकालना है फोकस। फोकस कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। वहां से एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, उसको आप बोलेंगे फोकस। उसके बाद क्या करना है, एक्स को माइनस ए के इक्वल रखना है, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इक्वल टू माइनस ए रखना है, तो अपने को क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, जो अपने पास कोनिक की इक्वेशन है उसको एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेना है, वाई में क्वाड्रेटिक बनाना है, इसकी अलग से वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी अलग से, एक्स की 2 वैल्यू, वाई की 2 वैल्यू, ठीक है। स्टेप नंबर 13 के अंदर एक्चुअल ट्रेसिंग करनी है। एक्चुअल ट्रेसिंग करेंगे तो यहां से वापिस आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक्सिस की इक्वेशन ली थी, एक्सिस की इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, टेंजेंट के लिए सेम स्टेप, एक्स को 0 वाई की वैल्यू, वाई को 0 एक्स की वैल्यू, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद आपा क्या देखेंगे, सेंटर और फोकस, मतलब सेंटर और फोकस को मार्क करेंगे, जो आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, मार्क करने के बाद, ठीक है, जो डायग्राम बनाया उसके अंदर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अपने को चेक करना है कि एक्स और वाई को, ये जो ग्राफ के अंदर एक्स और वाई को कहां पर कट कर रहा है, ठीक है, यहां से पता चलेगा। कट करने के बाद आपा क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट लगाने के बाद आपा क्या कर देंगे, पैराबोला ड्रॉ कर देंगे। तो ये होती है एक्चुअल ट्रेसिंग। अब थोड़ी बहुत माइंड में कंफ्यूजन होगी, वो भाई एग्जाम्पल से दूर हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, एग्जाम्पल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। तो भाई अब देखो, ये अपने पास एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल क्या कहता है, ट्रेस द कॉनिक, और कॉनिक की इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x² + 24xy + 16y² - 2x + 14y + 1 = 0। ये अपने पास क्या है, कॉनिक की इक्वेशन है, इसको क्या करना है, ट्रेस करना है। तो स्टेप नंबर 1 अपना क्या होता है, सबसे पहले आप चेक करते हैं कोई भी गिवन इक्वेशन है, सेकंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं, जनरल इक्वेशन के साथ, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक बार मेरे साथ बोल दो जल्दी जल्दी, ठीक है, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², ठीक है। फिर आपा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपा क्या चेक करते हैं, AB - H², इसके अंदर वैल्यू पुट करके आपको दिखाना है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर AB - H², तो A क्या है मेरे पास 9, B मेरे पास क्या है 16, तो 16 × 9 = 144 और 12² = 44 = 0। तो मेरे को पता चल गया भाई, जो मेरी गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड, अगर आपको पैराबोला जो पिछले पार्ट में किया था स्टेप याद है, अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज करो, पहले क्या करो, वीडियो ना रोक लो, जिस नोटबुक के अंदर नोट्स बना रखे हैं जो मैंने पढ़ाया था पैराबोला से रिलेटेड, उसको ओपन कर लो, और वो सारे स्टेप याद कर लो, क्योंकि वो सारे स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों फॉलो कर रहा हूँ,
भाई सारा ना याद हो जाओ, ठीक है। एक चीज ना अगर बार बार देखा तो वह जल्दी याद हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव के है इस क्वेश्चन ने दोबारा करने का कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जो यू क्वेश्चन है यू जल्दी तो याद हो जाए, ठीक है। तो इब्नू बता दो स्टेप नंबर सेकंड था कि अपना स्टेप नंबर सेकंड था अपा ए को क्या मानते थे, अल्फा स्क्वेयर, बी को क्या मानते थे, बीटा स्क्वेयर। साथ साथ बोलो यार, ठीक है, साथ साथ बोलोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। एच को क्या मानते थे, अल्फा बीटा, ठीक है। एच को क्या मानते थे, अल्फा बीटा। स्टेप नंबर थ्री, पता है इस वीडियो में मैं सेम वही बातें बोलूंगा जो मैंने पिछले पार्ट में बोल रखी, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से याद आ जाएगी। क्या करो, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, ठीक है। क्या करो, थर्ड स्टेप में गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। 9x² 24xy प्लस 16y² माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0। जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया उसको लेफ्ट हैंड साइड, बाकी को राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बातें सुन के कुछ तो याद आ रहा होगा, ठीक है। साथ साथ बता भी दो अब, 9 साथ साथ बोल दो यार, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, तो ये प्लस का माइनस का 14y माइनस का 1, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप बता दो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बना लेते थे, इसको आइडेंटिटी बना लेते, किसकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बनाओ, ये होती थी अपने पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है। अगर आपको पता ना लगे ना आइडेंटिटी किसकी बनानी, ये चीज याद कर लो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, 9, तो अल्फा की वैल्यू 3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3x, और बीटा वाई, बीटा की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, 16, तो बीटा की वैल्यू 4, ठीक है। जो बी की वैल्यू उसका अंडर रूट कर दो, जो ए की वैल्यू उसका अंडर दी रूट कर दो, इक्वल टू 2x माइनस 14y माइनस 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर बताओ भाई, क्या करते थे आप, कंसीडर करते थे क्या, लेमडा, लेमडा कुछ इस तरह से कंसीडर करते थे या इसके अंदर इस तरह से ऐड करते थे कि अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। बोलो, 3x प्लस 4y प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, करवाओ ओपन, ए का स्क्वायर 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab 3x प्लस 4y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहां से लिखते हैं, ठीक है। तो लिखवाओ वैल्यू, 2x माइनस 14y माइनस 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर प्लस, इसको अंदर लेके जाओ भाई, ये मेरे पास हो जाएगा 6 लेमडा एक्स और ये मेरे पास हो जाएगा 8 लेमडा वाई, ठीक है भाई। अब क्या करना होता है, क्या करते हैं, x वाली टर्म को एक साथ, y वाली टर्म को एक साथ, यार साथ साथ बोलो, घरवालों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे लड़के या लड़कियां YouTube से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोन में पढ़ ही रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ साथ बोलो, x वाली टर्म को साथ करवाओ भाई, तो ये मेरे पास 2 प्लस 6 लैम्डा, साथ में x आ गया। अब क्या करवाओ, y वाली टर्म को, ये y हो गया, ये y, तो मैं इसको लिख लेता हूं 8 लैम्डा माइनस 14, ये मेरे पास y आ गया, ठीक है। 8 लैम्डा माइनस 14 वाई, बाकी क्या बच गया, माइनस का 1 और लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बता दो यार, क्या करते हैं, साथ साथ बोलो, अरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा तार अभी, ठीक है, के हो जाएगा, याद हो जाएगा साथ साथ बोलोगे तो, बार बार करने की जरूरत ना पड़ेगी, सारी चीज ऐड याद हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर में अपने आप हाथ चल लेंगे, ठीक है, अगर दिमाग भी काम करना छोड़ गया नहीं तो हाथ ने बेरा के लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, साथ साथ बोलना है। तो स्टेप नंबर फाइव, अपा क्या करते थे, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगी तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस वन के। और स्लोप निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला बता दो भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस का
साइन कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस का साइन कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है, तो अब क्या करो, एम वन की वैल्यू बता दो। माइनस का साइन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, 3 अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई 4। सिमिलरली एम टू की वैल्यू बता दो भाई, एम टू क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन लगाओ पहले, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, 2 प्लस 6 लैम्डा अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है, 8 लैम्डा माइनस 40। अब क्या करनी, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, करवाओ प्रोडक्ट, मैं यहां तक रफ कर देता हूं भाई। और कमेंट करके जरूर बता दियो कितना समझ वहां पर, ठीक है, तमें कमेंट करोगे जी, दो तो मेरा बाटा मैं किसा पढ़ाऊं, आ रही है चीजें समझ में, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। और वीडियो ने लाइक कर दिया करो भाई, तारा समझ में आवा तो ये लाइक करियो, और कमेंट भी जिदे करियो जी तारा की मैं समझ में आंदा हो, और नहीं आंदा हो समझ में तो भी बता दियो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 क्या करते हैं, 1 3/4 M1 और M2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 6 लैम्डा अपॉन 8 लैम्डा माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू -1, यानी कि दोनों जो अपने पास स्लोप है उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, -1। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सोल्व करो, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, प्लस का हो गया, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 18 लैम्डा, ठीक है, अपॉन 4 × 32, 32 लैम्डा, और 4 14 4 56, 56 नहीं होता होगा, 14 चौके 56, ठीक है, इक्वल टू -1। अब क्या करो, इसको उस साइड लेके जाओ, 32 लैम्डा माइनस 56, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस 18 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 32 लैम्डा प्लस का 56। माइनस का 32 लैम्डा इस साइड लेके आओ, 8 लैम्डा प्लस 32 लैम्डा, और 56, 6 को उस साइड ले जाओ, माइनस का 6, ये मेरे पास क्या आ गया, 50, और ये मेरे पास क्या आ गया, 50 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपॉन 50, तो वैल्यू क्या आ गई, 1, तो लैम्डा की वैल्यू भाई मेरे पास 1 आ गई। किसी को कोई दिक्कत, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो इक्वेशन नंबर 4th थी उसके अंदर लैम्डा की वैल्यू रखवा दो भाई, क्या करो, लैम्डा की वैल्यू रखवा दो, ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो ये पुट करवा दो, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, आई थिंक स्टेप नंबर 6th है भाई, क्या है, स्टेप नंबर 6th, तो करवाओ पुट, ये मेरे पास हो जाएगा 3x + 4y + 1 का होल स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 1 है, इसको रफ कर रहा हूं भाई। अब लैम्डा की जगह 1 रखो, 2 प्लस 6 8 लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा की जगह 1 रखो, माइनस का 14 प्लस का 8 माइनस का 6, ये x आएगा, लैम्डा नहीं आएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 रखी, तो 6 प्लस 2 8x, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस का 14 प्लस का 8 तो माइनस का 6y, लैम्डा की 1 रखो, 1 - 1 क्या आ गया, 0, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, स्टेप नंबर 7th में अपने को इस इक्वेशन को डिवाइड करना होता है किसके साथ, देखो टिंग 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 टिंग, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ये चीजें याद आ रही होगी, टिंग 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 टिंग, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग लिखी थी वर्किंग रूल में, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो अब क्या करो, बनाओ इसको, अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3 है, बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा स्क्वेयर 9, बीटा स्क्वेयर 16, 9 + 16 क्या आ गया, 25, तो इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड करवा दो, तो करो 3x + 4y + 1 का होल स्क्वायर / 25, इसको भी करवा दो, 8x - 6y / 25, अब 3x + 14y + 1 / 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो 4x - 6y, इसके नीचे 5 लिख दिया, इसके नीचे 5 लिख दिया, तो 5 × 5 = 25, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। अपने को करना क्या होता है, y² = 4ax की फॉर्म में इक्वेशंस बनानी होती है, ठीक है, तो ये y² हो गया, ये 4a हो गया, ये x हो गया, तो अपना काम बन गया, ठीक है। अब जो स्टेप नंबर 8th है अपना,
स्टेप नंबर क्या है एट्थ, वो क्या होता था बोलो भाई? साथ साथ स्टेप नंबर एट के अंदर क्या करते थे, वाई को इक्वल टू जीरो पुट करते थे तो मेरे पास क्या जाती थी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो करवाओ वाई को इक्वल टू जीरो पुट, तो ये मेरे पास आ गया 3x + 14y। ये वाई है, ये वाई है मेरा, ये 4a है और ये मेरे पास क्या है x। तो करो आउटपुट 3x + 14y + 1/5 = 0। 5 को उस साइड लेके गया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x + 14y + 1। 14 नहीं है यार, ये 4 है, मैंने 14 लिख दिया, ये 4y है। ठीक है, 3x + 4y + 1 = 0। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, चीजें याद आ रही होगी, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, क्या करूंगा, x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो करूंगा 4x - 6y। 4x माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 4x, ये 3y होगा यार, सॉरी गलती होगी, 2 कॉमन लिया देखो, ये 4x हो गया, ये क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, 4x - 3y = 0। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ये कैसे आई, जब मैंने x को इक्वल टू 0 पुट किया, उसके बाद 4a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4a = 2/5। 4a = 2/5, ये आ गया लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर x लिखते हैं, x के नीचे x वाली टर्म छुपा लो, ठीक है, इसको प्लस में ऐसे लिख देते हैं +0 = 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में ऐसा नहीं हो, इस टर्म को छुपाओ तो 4 × 0 = 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास +3। क्या आ गया, +3। अब भाई नेक्स्ट देखो, जब मैं वाई को लिख लेते हैं, क्या करते हैं, वाई वाली टर्म को छुपो लेते हैं, ठीक है, लगो लिया वाई वाली टर्म थी, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करो 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा भाई, 4 - 0 तो 4 ही रह गया। अब कॉन्स्टेंट वाली टर्म पे आ जाओ, इन टर्म को छुपा लो, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 और 9। ये ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया, देखो इस टर्म को छुपाया तो 3 × 3, माइनस का 3 × 3 आ गया -9, और इसको करेंगे तो ये -16। तो यहां से देखो मेरे पास वैल्यू आ गई x की, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू आई 3 को उस साइड लेके गया 3/25, ये किसका आ गया, माइनस का। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई 4 - 4/25, और ये x और y की वैल्यू आती है, इनको क्या बोलते हैं, सेंटर। ये थे भाई 8 स्टेप जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब आता है अपना मेन पार्ट जो इस वीडियो का मोटिव है। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड में क्या कर लेता हूं, इन वैल्यूज को लिख लेता हूं। अपने को जरूरत पड़ेगी क्या, एक तो x इजिकल टू जीरो, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x इजिकल टू जीरो ही लिख लेते हैं, पहले लिख लो y इक्वल टू जीरो, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो ये आई मेरे पास 3x + 4y + 1/5 = 0। ठीक है, x इक्वल टू जीरो तो ये मेरे पास आई है 4x - 3y / 5 = 0। फिर सेंटर की बात करें, सेंटर मेरे पास आया है माइनस का 3/25 और माइनस का 4/25। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए लिख रहा हूं भाई। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 9, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो भाई मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने सारे स्टेप देख लिए होंगे एक बार। ठीक है, अब अपना आता है मेन स्टेप, स्टेप नंबर 9th। ठीक है, स्टेप नंबर 9th के अंदर करना क्या होता है, अपने को इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी होती है भाई। उसके लिए आप क्या करते हैं, x को इक्वल टू a पुट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं,
एक्स को इक्वल टू ए पुट करते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू। ये कैसे आई मैं आपको बता देता हूं एक बारी। 4a मेरे पास क्या था, 2/5, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 × 4, तो ये 2/20, तो ये आ गई 1/10। ठीक है, इसलिए मैंने ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी 1/10। तो अब अपने को क्या करना होता है, जो अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या है, ये मेरे पास क्या है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये मेरे पास क्या है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, क्या करना होता है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको ए के बराबर रखना होता है। तो रखो 4x − 3y / 5 = 1/10। एक गलती और बताता हूं भाई मैं आप लोगों को, यहां पर आपसे क्या गलती होगी, आप लोग क्या करोगे 4x − 3y इसको डायरेक्ट ए के इक्वल पुट कर दोगे। तो इस चीज का याद ध्यान रखना है कि मैंने इसको 5 से डिवाइड भी किया था। कैसे, अब आप अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर से डिवाइड करते थे ना, वो 5 है ये। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपसे ये गलती होगी कि आप ये 5 लेना भूल जाओगे, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। आप डायरेक्ट एक्स को 0 पुट कर दोगे, ये एक्स को 0 पुट नहीं करना, upon 5 = 0 पुट करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 4x − 3y = 5, को उस साइड लेके गया 5/10, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/2। अब क्या करो, 2 को इस साइड, 8x − 6y, माइनस का 1 इस साइड = 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आई 8x − 6y − 1। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इतनी जगह नहीं है भाई, रफ करना पड़ेगा। ये लिख दी 8x − 6y − 1 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखो भाई, स्टेप नंबर 9th के अंदर अपने को क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या करते हैं, जो अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आई है, क्या आई है टेंजेंट की इक्वेशन, उसको किसके बराबर रखते हैं, इक्वल टू ए। ए कहां से मिलेगा, 4a की वैल्यू अपने को पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। स्टेप नंबर 10th के अंदर अपने को निकालना है फोकस। क्या निकालना है, फोकस। फोकस निकालने के लिए भाई मैंने वर्किंग रूल के अंदर एक चीज गलत लिखवा दी भाई आप लोगों को, वो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। मैंने बोल दिया था कि आपा जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आई है और टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था, बट यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आएगी, आपा एक्सिस की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, एक्सिस की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इस पॉइंट को ठीक कर लेना भाई, फोकस के लिए क्या करते हैं, जो एक्सिस की इक्वेशन है और जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करते हैं और एक्स वाई को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को वर्किंग रूल के अंदर ठीक कर लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप फोकस निकालते हैं तो लेटेस्ट रेक्टम और जो अपने पास एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, दोनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को वर्किंग रूल के अंदर ठीक कर लेना भाई, मैंने गलत बता दिया, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, शायद मैंने वहां पर टेंजेंट बोल दिया हो या टेंजेंट लिख दिया हो, तो इसको चीज को लिख लेना कि लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ एक्सिस को सोल्व करते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या है, 4 8x − 6y − 1 = 0, और एक्सिस की इक्वेशन क्या है मेरे पास, वो है 3x + 4y + 1 = 0। अब क्या करो, एक्स और वाई को एलिमिनेट करो, एक्स को करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 4y, ये मेरे पास आएगा −4 + 6 − 4 + 6। जब आप y को करेंगे तो मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, कुछ इस तरह से एलिमिनेट करेंगे, आप लोगों को याद भी आ गया होगा। ठीक है, यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास जो फोकस आएगा, फोकस को आप ऐसे डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आएगी −1/25, ठीक है, और वैल्यू आएगी −11/50। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, फोकस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई फोकस, फोकस आया मेरे पास एस, ये आया −1/25 और −11/50। ठीक है भाई, अब बारी आती है स्टेप नंबर 11 की। स्टेप नंबर 11 के अंदर अपन निकालते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज के लिए क्या करते हैं, जो अपना एक्स है उसको किसके बराबर रखते हैं, -a के बराबर। ठीक है, तो करवाओ पुट,
एक्स है मेरे पास 4x-3y अपॉन 5 = -1/10। 5 उस साइड गया, माइनस का 1/2, ठीक है। 2 को इस साइड लेके आए तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 8x-6y, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 = 0। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मेरे पास इक्वेशन आई 8x-6y प्लस का 1 = 0। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? अब आता है अपना स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 12, सॉरी 11 नहीं, स्टेप नंबर 12। स्टेप नंबर 12 क्या बोलता है, जनरल इक्वेशन को क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो बनवाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर एक्स की टर्म क्या है, 9x² माइनस का 2x और कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का 1 = 0, ठीक है। सिमिलरली वाई के अंदर बनवाओ 16y² प्लस का 14y प्लस 1 = 0, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करवाओ, x = ±, ठीक है, x² = ±, बी सॉरी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करवाओ, b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4 × 9 36 अपॉन 2a क्या हो गया, 9। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 18। तो ये आ गया 2 प्लस माइनस, ये मेरे पास आ गया माइनस का 31। तो इसको लिख सकते हैं -31i। मतलब क्या वैल्यू आ रही है, इमेजनरी वैल्यू आ रही है। क्या रही है, इमेजनरी। तो एक बात होती है भाई, पॉइंट लिख लो नोट के अंदर, अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है उसके अंदर अगर एक्स या वाई किसी की वैल्यू इमेजनरी आती है, तो जो अपना पैराबोला होता है, ठीक है, वो उस एक्सिस को कट नहीं करता। उस एक्सिस मतलब किस एक्सिस को, जिस एक्सिस के अक्रॉस, मान के चलो यहां पर एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इमेजनरी। तो मेरा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ रही है, इमेजरी। मैं मान लेता हूँ 0 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद बी को कैलकुलेट करो, सॉरी वाई के लिए कैलकुलेट करवाओ। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो मेरी वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 16, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर वाई की भी दो वैल्यू आ गई, ठीक है, वाई की भी क्या आ गई, दो वैल्यू। एक वैल्यू ही माइनस का प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 16, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना। उसके बाद भाई अपना आता है मेन पार्ट, जो चीज चाहिएगी वो मैं यहां पर लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिएगी, टेंजेंट चाहिएगी, सेंटर चाहिएगा, फोकस क्या है मेरे पास, फोकस है माइनस का 1/25 माइनस का 11/50। फोकस, फोकस के बाद अपने को चाहिएगा जो अपने चेक करना होता है एक्स और वाई की वैल्यू, क्या चाहिएगी, एक्स और वाई की वैल्यू। तो मेरे पास एक्स और वाई की दो वैल्यू आई है, एक आया है 0 - 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 16, और एंड पॉइंट मान लेते हैं जहां पर टच करेगा, ठीक है, माइनस का 7 ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 33 अपॉन 16, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए। तो ये चीजें हैं जो अपने को चाहिएगी। अब आप बनाएंगे अपना डायग्राम या ट्रेस करेंगे अपना पैराबोला। स्टेप नंबर 13 पे आ जाओ भाई, एक्चुअल ट्रेसिंग। एक एक पॉइंट को ध्यान से बताना। आप एक्चुअल ट्रेसिंग के अंदर क्या करते हैं, टेंजेंट मैं यहां पर बना लेता हूं भाई, मेरा पैराबोला इतनी जगह नहीं है यार, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। और जो ट्रिक है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड,
ये मेरे पास x माइनस x, ये मेरे पास प्लस y, ये मेरे पास माइनस y, ठीक है। मैं यहां पर नाम दे देता हूँ वन, यहां पर भी नाम दे देता हूँ वन, यहां पर भी नाम दे दिया माइनस वन, और यहां पर माइनस का वन, ठीक है। अब करते हैं एक्चुअल ट्रेसिंग, स्टेप नंबर 13। तो सबसे पहले भाई इक्वेशन ऑफ एक्सिस को प्लॉट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो करवाओ क्या करते हैं, लिखो इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला था x को 0 पुट करो और y की वैल्यू चेक करो। x को 0 पुट करेंगे तो 4y इक्वल 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू, देखो x को क्या करना है 0 पुट, तो ये वाली टर्म 0 प्लस का 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 बाई 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 1 बाई 4। तो लिखो जब मैंने x को 0 पुट किया तो y माइनस 4, और जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो करो y को 0 0 पुट किया तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 1 बाई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 बाई 3। तो मैं इसको अच्छे तरह लिख लेता हूँ, जब मैं x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस का 1 बाई 4, और जब मैंने x को माइनस 1 बाई 3 पुट किया तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको अपने को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो 1 बाई 4 को, जब आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट मेरे पास माइनस का 0.25 आएगा, और जब मैं 1 बाई 3 को प्लॉट करूंगा तो ये मेरे पास 0.75 आएगा, 0.75। तो इसको भाई एक रफ आइडिया लेते हैं और उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स को 0 पुट करो पहले पॉइंट में, एक्स को 0, वाई मेरे पास आया 0.25, यानी कि 1 का 4th पार्ट, तो 1 का 4th पार्ट कहीं यहां पर होगा, मैं मान लेता हूं यहां पर है 4th पार्ट, ठीक है, एक आइडिया है, ठीक है। और जब मैंने y को 0 पुट किया, क्या किया y को 0 पुट किया, तो मेरे को x मिल रहा है 0.75, यानी इसका 3rd पार्ट, तो मैं मान लेता हूं ये यहां पर है, एक पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और पेपर के अंदर भाई पेन और पेंसिल और स्केल का यूज करके डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी लाइन आ गई, ये मेरे पास आ गई एक्सिस की लाइन, जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 1, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेना है, उसके अंदर भी x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, तो करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो y 0, ठीक है। सिमिलरली x को 0 y भी 0, जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x को 0, तो ओवरऑल ये लाइन यहीं से ही क्रॉस करेगी, ठीक है, मतलब ओरिजिन से क्रॉस करेगी, तो करवाओ ओरिजिन से क्रॉस। तो जब मैं इसको ओरिजिन से क्रॉस करवाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये मेरे पास कौन सी लाइन होगी, ये मेरे पास होगी भाई 4x माइनस 3y, जिसको बोल सकते हैं टेंजेंट, ये मेरे पास ये होगी, दो काम अपने पूरे कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या है भाई अपने पास, थर्ड स्टेप है जो अपना सेंटर है, जो अपना क्या है सेंटर, उसको इसके ऊपर प्लॉट करो। तो जब मैं -25, 3 को 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, जब मैंने कैलकुलेटर से निकाले हुए हैं भाई, ये पॉइंट आएंगे माइनस का 0.12 और माइनस का 0.16, ये किसके पॉइंट है, ये सेंटर के पॉइंट है, और जब फोकस के लिए करेंगे तो फोकस का आएगा माइनस का 0.04 और माइनस का 0.22, ये किसके हैं
फोकस की। पहला स्टेप क्या है एक्चुअल ट्रेसिंग के अंदर, एक्सिस की इक्वेशन उस लाइन को बढ़ाओ, एक्स को जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो, वाई को जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर टेंजेंट के अंदर सेम, फिर सेंटर को मार्क करते हैं। सेंटर को मार्क करो भाई, सेंटर को मार्क करेंगे तो ये पॉइंट अपना एक्स पे है माइनस का 0.12, माइनस का 0.12, तो नियर अबाउट कहीं यहां पर होगा, ठीक है। और वाई है मेरे पास 0.16, सॉरी ये मैंने वाई बना दिया। देखो वाई सबसे पहले देखो सेंटर के लिए एक्स एक्सिस कौन सी एक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेरा पॉइंट है वो है माइनस का 0.12, तो यहां पर कहीं आएगा, ठीक है 12। सिमिलरली माइनस का 0.16 तो कहीं यहां पर होगा। तो जब मैं इन दोनों को ड्रॉ करता हूं तो मेरे को ये क्या मिल गया, ये सेंटर मिल गया भाई, क्या मिल गया सेंटर, ठीक है। मैं इसको सी से डिनोट कर देता हूं। एक बारी फिर से देखो मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस का 0.12 मेरे को कहीं यहां पर मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या चेक किया, वाई का माइनस का 0.16, तो ये यहां पर मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने को फोकस चेक करना होता है भाई, क्या चेक करना होता है, फोकस चेक करना होता है, तो करो फोकस को चेक। फोकस के लिए देखो माइनस का 0.04 एक्स एक्सिस के ऊपर नियर अबाउट यहां पर, ठीक है। और माइनस का 0.02 मतलब कुछ इससे आगे यहां पर, तो कहीं यहां पर मेरे पास क्या होगा, फोकस एस, ठीक है। कैसे 0.04 तो कहीं यहां पर, ठीक है, और उसके ऊपर 0.02 वाई के ऊपर, तो फोकस मेरा कहीं यहां पर लाई करे, कहीं यहां पर क्या होगा, फोकस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने को ये वाले कोऑर्डिनेट चेक करने होते हैं, एक्स के ऊपर जो मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू है ये, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कहीं यहां पर आएगी, ठीक है, कहीं यहां पर। सिमिलरली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी कहीं यहीं पर ही आएगी, मतलब यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने को पैराबोला ड्रॉ करना होता है, तो करवाओ पैराबोला ड्रॉ। एक यहां पर टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है, उसको डिवाइड करके देख लेना भाई, ठीक है। जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाए, एक बारी फिर से बता देता हूं। पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट स्टेप्स है उनको फॉलो करना। सबसे पहले एक्सिस की इक्वेशन उसकी लाइन ड्रॉ करना, फिर टेंजेंट की इक्वेशन उसकी लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, फिर सेंटर को मार्क करना, फिर फोकस को मार्क करना, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे और इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। और अपने को पता है 0 0 यानी वाई एक्स एक्स एक्सिस को तो कोई टच कर ही नहीं रहा। और एक बात और होती है भाई, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है ना, उसके कुछ इसी तरह से पैराबोला बनता है, मतलब साथ साथ क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या आपको समझ में ना आए कि पैराबोला कैसे बन रहा है, तो आप क्या करो एक्सिस के साथ बना दो, ठीक है, तो आपका नियर अबाउट ठीक होने के चांसेस है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी 1 के।